ये जो प्लान है 45 फीट बाय 100 फीट का प्लान है, इसका हम आपको 3D इंटीरियर, एक्सटीरियर और लेयर प्लान डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। तो 3D में हम एंट्री हो चुके हैं। एंट्री में लेफ्ट हैंड साइड में हमें बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है जो 20 फीट एंड 15 फीट का जिसका साइज है। देन राइट साइड में हमें कार की जो पार्किंग दी गई है, 5 से 6 का यहाँ पार्क हो जाएंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। ये टोटली सिंगल स्टोरी है। इसका हम आपको बजट भी देंगे कि कितना इसका बजट है, मतलब जर्नी के बजट में इससे रेडी हो जाना। एंट्री हो चुके हैं। तो एंट्री में मेन वाइट गेट है और ये ड्राइंग रूम की हमने एंट्री दिया है यहाँ पर। तो ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया जो LED पैनल इसके सामने एंड कर्टन सेंस के साथ में एंड जो 7 सीटर अप्रॉक्सीमेटली उसका सिटिंग एरिया है। ये हमारी स्टेयर्स हैं, कम्प्लीटली हमारे स्टेयर्स है। तो यहाँ से हम ऊपर जाने वाले हैं। देन अब हम जा रहे हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। हमारा डाइनिंग एरिया है 6 सीटर डाइनिंग एरिया है और ये हमारी पैनल है। तो टोटली बड़े अच्छे से इसमें सिटिंग है। और अब हम जाने वाले हैं किचन में। ये हमारी किचन है, मेरा किचन का एरिया है। तो ये हमारा शैंक का एरिया था। तो ये किचन के साथ हमने किचन की छोटी सा स्टोर दिया है जो बड़े बर्तन है वो यहाँ पर क्लीन हो सकते हैं। एंड अब हम जाएंगे बेडरूम में। तो फर्स्ट बेडरूम में हम एंटर हो रहे हैं। एंटर जब भी हम एंटर हो रहे हैं तो बड़ा सा ह्यूज बेड है एंड जो वॉल पेपर हमने बेडरूम की वॉल पर लगाया है उससे बहुत अच्छी लुक आ रही है बेडरूम। तो लेट्स सी, हम आपको दिखाते हैं। तो इससे बड़ी अच्छी लुकिंग एनहांस हो रही है बेडरूम की। अब ये LED पैनल का कॉन्सेप्ट है। जो LED पैनल है ये बेडरूम के बिल्कुल सामने बिल्कुल ड्रेसिंग रूम है। ड्रेसिंग रूम से एंटर हो गए, अच्छी वाटर बैगी है अपने एंट्रो की वॉशरूम। वॉशरूम मशीन का सीट का काउंटर एंड ग्लास है। तो अब हम सेकंड बेडरूम में चलते हैं। एंटर हो गई लेफ्ट हैंड साइड वॉटरूम है एंड सामने LED पैनल है बेड के। एंड बेड की जो वॉल है हमने वहाँ पर भी वॉल पेपर लगाया है तो उसकी लुक तो इनहेंस हो, जो कि बहुत अच्छी लगती है। मैं अभी आपको शो करता हूँ। ये देखिए, तो वॉल पेपर्स हैं जो बहुत जेन्युइन रेट्स में हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। तो इससे बेडरूम की लुक बड़ी अच्छी है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बिल्कुल बेडरूम में वॉल पेपर ही यूज करें। तो ये वॉशरूम है, इसका टच वॉशरूम है जिसमें पार्किंग एरिया ग्लास एरिया में कवर्ड है ताकि बेड और ड्राई एरिया अलग अलग। ये टोटली जो कॉन्सेप्ट है 100 फीट बाई 45 फीट का ये कॉन्सेप्ट है। ये इसका मेन गेट है, थोड़ा सा हमने वाइड रखा है। अप्रॉक्सीमेट 12 फीट का इसका साइज है एंड 6 फीट इसकी हाइट है। तो अब हम चलते हैं लेआउट की तरफ। ये इसका लेआउट है। तो जैसे आपने 3D में टोटली देख लिया इसका ना कैसे कैसे ये बना हुआ है। तो इसकी साइज है, तो हम इसका लिंक भी दे देंगे आपको PDF में। ये टोटली इसकी ड्राइंग है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके जो बजट की जो मेन थी। इसका बजट अप्रॉक्सीमेटली बिल्डिंग कवर का तो आप लेके चलो 18 से 20 लाख। 18 से 20 लाख में ये पूरी बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगी। इसमें लैंड का एरिया बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है, लैंड की वैल्यूएशन नहीं इंक्लूडेड है। बस मेनली हमने बिल्डिंग की वैल्यूएशन आपको बताई है, लैंड तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन होती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।